सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुरखियां ते। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन जारी, पीएम ने राज्यसभा दिता बयान, कहा अंदोलन खत्म करन किसान सरकार गलबात लई तैयार, MSP जारी रहने की आखी गल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों MSP बारे दिए बयान उत्ते किसान आगू राकेश टिकैत ने दिता बयान, कहा MSP बारे जुबानी गल करन दी थां कानून बनाए केंद्र सरकार। खेती कानूनों नूं लैके किसानां वल्लों BJP आगूआं दा विरोध लगातार जारी, विजय सांपला दा मोगा विखे किसानां ने कीता विरोध, कहा खेती कानूनों नूं वापस लवे केंद्र सरकार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को अंदोलन खत्म करने की भी अपील की है। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के भाषण उत्ते धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया गया। उच्च सदन में भाषण से चर्चा पूरी हो गई, इस नाल ही किसान अंदोलन लेके भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को खेती कानूनों खिलाफ जारी किसान अंदोलन खत्म करने की अपील की। उन्हें कहा कि खेती सुधार कानूनों एक मौका दिता जाए तो जे इस कोई खामी हुई तो दूर की जाएगी। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र अंदोलन खत्म किया जाना चाहिए। उन्हें कहा कि सरकार किसानों नाल गलबात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को भरोसा दिता कि MSP सी MSP है तो MSP रहेगा। उन्हें कहा कि मंडियां मजबूत की जा रही 80 करोड़ लोगों सस्ता राशन देना जारी रहेगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने लिए होर पावां उत्ते जोर दिता जा रहा है। लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले हैं। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। आदरणीय सभापति जी, ये बात निश्चित है हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, MSP है, MSP था, MSP रहेगा। सदन की पवित्रता समझे हम, जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। और मैं मानता हूं कि हम अगर देर कर देंगे, हम अगर अपने ही राजनीतिक समीकरणों में फंसे रहेंगे तो हम किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेतीबाड़ी सुधारों उत्ते विरोधी धिरां वल्लों अचानक यू टर्न लैण उत्ते सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने रोस प्रदर्शन की हिमायत करने वालों उत्ते हमला बोलदिआं कहा कि मुल्क विच प्रदर्शन करन वालों की नवीं नस्ल पैदा हो गई है जो बिना प्रदर्शनों के जी नहीं सकती, तो मुल्क नूं इन्हां तों सचेत रहना चाहिए। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे
वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है, वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढो बता देते हैं, देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम FDI की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया FDI मैदान में आया है। ये नए FDI से देश को बचाना है जी, FDI चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया FDI नजर का आ रहा है ये नए FDI से जरूर बचना होगा। और ये नया FDI है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, और इसलिए इस FDI से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा भाषण दौरान कहा कि कुछ लोग सिखां दे दिमाग च गलत चीजा भर रहे ने, उन्होंने कहा कि देश नूं सिखां ते माण है, तुसीं भी सुनो उन्होंने की कहा। और हम ये ना भूले कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है, देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है, मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा राष्ट्रपति के भाषण उत्ते जवाब देते हुए किसान अंदोलन की भी गल की, उन्होंने किसानों को अंदोलन खत्म करके गलबात करने का सदा दिता। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि MSP है तो MSP जारी रहेगी। हुण PM मोदी के इस बयान तो बाद भारतीय किसान यूनियन BKU आगू राकेश टिकैत का बयान सामने आया। राकेश टिकैत ने कहा कि असं कदों कहा कि MSP खत्म हो रही है, उन्हें कहा कि जेकर अजिहा कानून बनता तो देश के सारे किसानों को इसका फायदा होगा। उन्हें कहा कि PM ने MSP उत्ते कानून बनाने की अज कोई गल भी नहीं कही। राज्यसभा ने केंद्र शासित खेत्र जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च प्रशासनिक सुधार करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन सोध बिल 2021 नूं जबानी वोट नाल मंजूरी दे दी है। गृह राज मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन च चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि इस नाल दोवें नवें गठित प्रदेशों नूं देश की मुख्यधारा च शामिल करने च मदद मिलेगी। अपने बयान च श्री रेड्डी ने जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च विकास कामां दा वेरवा दिता। यह बिल सदन च वीरवार नूं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन सोध ऑर्डीनेंस की जगह पेश किया गया सी ते जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 का स्थान लवेगा। उत्तराखंड के चमोली च ग्लेशियर टुटन कारण वड्डा हादसा वापर गया सी। हुण तक दे राहत अते बचाव काम दौरान चमोली जिला पुलिस ने 19 लाशां मिलने की पुष्टि की है। दसा जा रहा है कि हाले भी 202 तो वध लोग लापता ने, सुरंगां कोलों मलबा हटाया जा रहा, मन्या जा रहा है कि इन्हां च काफ़ी लोग फसे हुए ने। हादसे च जान गवाउण वाले लोगों के परिवार वालों लिए सूबा अते केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। उत्थे इस आफत दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा प्रधान JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सारे संसद मैंबरों नाल गल की। इस दौरान उन्होंने आफत तो बचाव तो बाद राहत बचाव कामों भविख लई की किया जाए इस लैके चर्चा की। दर्शनयोग है कि चमोली च नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टुटन कारण ऋषि गंगा नदी च अचानक हड़ आ गया सी, जिस नाल उत्थे दो पनबिजली प्रोजैक्टों से काम कर रहे घट्टो घट 19 लोगों की मौत हो गई, जिन्हां दीआं लाशां वख-वख थावां तों बरामद कीतीआं गईआं ने। उत्तराखंड के चमोली च ग्लेशियर टुटन कारण आए हड़ की लपेट में आने कारण पंजाब के तहसील समराला के पिंड पुरबा के 4 नौजवान लापता हो गए हैं। इस पिंड में अधी दर्जन के करीब नौजवान पिछले लंबे समय तो इतने अपनी रोजी रोटी कमाने लिए जाते सन। ब्लाक समिति समराला के चेयरमैन अजमेर सिंह पुरबा के पिंड पुरबा के सरपंच जगरूप सिंह ने दसिया कि कुलवीर सिंह, सुखविंदर सिंह, केवल सिंह, सुखविंदर सिंह लापता दसे जा रहे हैं। इन्हां दे नाल दे साथी नैब सिंह पुत्र करनैल सिंह, हरपाल सिंह पुत्र बहादुर सिंह होरां नाल परिवारिक मैंबरां दी लगातार गलबात हो रही है। पिंड पूरबा च सोग दी लहर है, पिंड वासियां वल्लों इन्हां दे सही सलामत होण दीआं अरदासां कीतीआं जा रहीआं ने।
26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड तो बाद गायब चल रहे किसानों के मामले च दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा के जींद जिले के कंडेला पिंड के बलजिंदर की गुमशुदगी लेके दिल्ली पुलिस तो जवाब मंगया है। जागो पार्टी के वकील नरगिंदर बैनीपाल ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने दाखिल की पटीशन दिल्ली पुलिस उत्ते किसानों गैर कानूनी हिरासत च रखने का दावा किया। इस तो पहला बलजिंदर के भरा बलजीत ने थाणा नंगलोई विखे बलजिंदर के ट्रैक्टर मार्च दौरान नंगलोई तो गायब होने की रिपोर्ट विखाने लई पहुँच की। इस बारे मीडिया को जानकारी देते हुए राज्यसभा मैंबर सुखदेव सिंह ढींडसा जागो पार्टी के अंतरराष्ट्रीय प्रधान मनजीत सिंह जीके ते वकील नगेंद्र बैनीपाल ने कोर्ट वल्लों दिल्ली पुलिस नूं कीती गई ताड़ना का हवाला दिता। ढींडसा ने कहा कि बैनीपाल की अगवाई हेठ सारे वकीलों की टीम लगातार लोगों तक मदद पहुँचाने की कोशिश कर रही है। कि कुछ नौजवान 100 कोई कहता सी वध ने मिसिंग ने ते उहदा उस मिशन च असीं इह कहा सी कि जे कोई पेरेंट्स उन्हां दे कोई वारस इन्हों जिन्हों का कोई मिसिंग होया हो आओ तो उन्होंने कोई फैसला असी देवे नंबर दिते सी तो मनजीत सिंह को आए तो मैं धन्यवाद करदा बैनीपाल साहब वकील इन्हों की सारी टीम का। इन्होंने पहला भी साढ़े इशू तो जोड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो प्रिंट मीडिया ज सोशल मीडिया जिन्हते बहुत कूड़ प्रचार भी हो रहा सी कि भाईचारक एकता तोड़न की भी यत्न किए गए थे वह भी इन्होंने स्टे भी ली तो उन्होंने नोट्स भी हुआ सरकार ने भी नोट्स होया। इस तरह अज एक केस एक ही केस आया है वो हरियाणे का भी जिन्होंने कहा भी साडा मिसिंग है वो इन्हों की बैनीवाल साहब की टीम ने मनजीत सिंह उन्होंने सारे ने मिल के उन्होंने कल नोट्स हो गया है। फोन आ रहा जी कि 50 बंदे मिसिंग ने 100 बंदे मिसिंग ने और असी बार बार कह रहे हैं कि जेड़ा मिसिंग आए साढ़े को असी पहले पटीशन पाई सी हिबस कॉर्पस जज साहब ने आख्या कि जब तक ब्लड रिलेशन ना आए असी एंटरटेन नहीं करते लेकिन पुलिस ने उन्होंने नोटिस कर दिता सी। अज साढ़े को जदों ये बलजिंदर दे फैमिली रिलेशन जो आए ने तो ढींडसा साहब और असी दोवे ने मिलकर कई पटीशन पाइया जिन्हों बेनीपाल जी और बाकी टीम ऑफ लॉयर्स रिप्रजेंट करते हैं वो एडमिट हुई है और डिवीजन बेंच ने कल सवेर वास्ते नोटिस कर दिता है। तुम ये देखो एक दिन की डेट के उत्ते उन्होंने नोटिस करता कि सवेर तक पुलिस जवाब दे कि यह बच्चा तुहाडे कोल है या नहीं है। मैं ये समझदा वा कि जिहड़ी लड़ाई ह्यूमन राइट्स की जिहड़ी लड़ाई मनुखी अधिकारां दी असी बीड़ा चुकिया असी उसनू पूरी तरीके नाल लड़ रहे हैं। किसानी अंदोलन विचाले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू सोनिया गांधी नूं मिलण उन्हां दे घर पहुंचे। उन्हां नाल कांग्रेस दे पंजाब दे इंचार्ज हरीश रावत नजर आए। दर्शनयोग है कि खेती कानूनों के विरोध चल रहे किसान अंदोलन का नवजोत सिंह सिद्धू वालों पहले दिन तो समर्थन किया जा रहा है जिसके अधीन वो लगभग रोजाना ट्वीट्स राही अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते रहते हैं। संसद मैंबर सुनीता दुग्गल ने दिल्ली प्रैस कॉन्फ्रेंस की जिस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट में कोविड महामारी के मद्देनज़र बड़े प्रावधान किए गए हैं तो टीकाकरण लिए भी 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पैंडेमिक जो है वैश्विक जो बीमारी है महामारी पैंडेमिक जिसको बोलते हैं उससे हम लोग गुजरे और इसमें जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर इसके जो है इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इसका असर पड़ा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने महसूस किया कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें जो है अब की बार अच्छा प्रोविजन जो है वो करना चाहिए क्योंकि हम लोग हेल्थ सेक्टर में जो कंपैरेटिवली ध्यान देते थे लेकिन उतना ध्यान नहीं देते थे लेकिन अब की बार बहुत ज़बरदस्त ये ज़रूरत महसूस की गई। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से 137% जो है वो इंक्रीज अब की बार हेल्थ सेक्टर में किया है और 90 करोड़ से जो है प्रोविजन को 2,38,000 करोड़ जो है वो हेल्थ के लिए दिया गया है जिसके अंदर 35,000 करोड़ जो है वो पर्टिकुलरली वैक्सीनेशन के लिए किया है। और आप ये देखिए कि हमारा सौभाग्य है कि भारत ना केवल इस महामारी से दो चार हुआ इससे पार पाया हम लोगों ने बल्कि हम लोगों ने सबसे पहले पूरे विश्व के अंदर दो ऐसी वैक्सीन हमने बनाई और उन वैक्सीन के जरिए हमने आप ये देखिए कि कम से कम भी 100 देशों के अंदर हम वो वैक्सीन जो है अब निर्यात कर रहे हैं। खेती कानून खिलाफ जिथे किसानों वालों रोस प्रदर्शन किया जा रहा है उत्थे बीजेपी आगुओं की भी विरोधता की जा रही है। भाजपा के सबका केंद्रीय मंत्री और नवनियुक्त एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला का मोगा विखे किसानों ने विरोध किया। किसानों ने खेती कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब च हो रही पंचायती नगर निगम चोणों उन्होंने भाजपा वालों चोण ऑबजरवर भी लाया गया तो चोणों करके ही मोगा पहुंचे सन। इस मौके किसानों ने कहा कि मोदी सरकार काले खेती कानून वापस लेने चाहिए ने।
सरकार ने काले कानून साढ़े मौत वरंट लिया काले कानून रद्द कराने असी अज जो मोगे विजय सापड़ा आया उनका असी विरोध किया गया और काले झंडे असी उनका विरोध किया गया। इस तरह ही असी उनका विरोध रखांगे। भारतीय जनता पार्टी नूं किते भी असी उद्घाटन जां शहरां च नहीं वड़न देंगे। पर यह जिहड़ी सरकार आ यह भी कांग्रेस सरकार भी पुलिस राही साढ़े ते पुलिस राही तशद्दुद कर रही आ साडे साथियों नूं इन्हां ने अज धक्के मारे और साडियां इन्हां ने पग्गां लाईआं। पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा की नवां शहर च आमद नूं लैके स्थिति उस वेले तनावपूर्ण हो गई जदों खेती कानूनों खिलाफ संघर्षशील किसानों ने उन्हां दी आमद वाली थां उत्ते पहुंच के नारेबाजी की ते कहा कि खेती कानून किसान विरोधी ने जो वापस लए जाने चाहिए ने। नगर कौंसल जंडियाला गुरु दीआं 14 फरवरी नूं होण जा रहीआं चोणां दे मद्देनज़र चोण सरगर्मियां नूं होर तेज़ करदिआं श्रोमणी अकाली दल बादल वल्लों जंडियाला गुरु विखे साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया दी अगवाई हेठ रोड शो कढ़िया गया। इस मौके उन्हां दे नाल वख-वख वार्डां दे उम्मीदवारां वोटरां सपोर्टरां तों इलावा हलका जंडियाला गुरु दे साबका विधायक मलकीत सिंह यार भी हाजिर सन। इस मौके बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल पंजाब भर च नगर कौंसल चोणां च शानदार जित प्राप्त करेगा। पंजाब राज महिला आयोग की चेयरपर्सन मलीशा गुलाटी ने अमृतसर की पुलिस लाइन च महिलावां दीआं शिकायतां सुणीआं। इस मौके उन्होंने कहा कि हेठले पद्धर के पुलिस अधिकारी पुलिस की साख नूं वट्टा ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बाबत पुलिस कमिश्नर नाल गलबात करनगे। लोकल बाडी चोणों नूं लैके श्रोमणी अकाली दल बादल वल्लों चोण प्रचार जारी है। इस तहत बनूड़ विखे श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने वख-वख थाईं जनसभावां नूं संबोधन किया ते अकाली उम्मीदवारां दे हक च चोण प्रचार किया। ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਬਨੂੜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਆ ਔਰ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਚਲਾ ਕੇ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਹ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 509 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿਲਵਿਸ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ।
सो असी यही बेनती करते हैं मोदी सरकार नू, जालम सरकार नू, के भाई इन्ने लोग जेड़े थपदी ठंड के बाहर बैठे ने बच्चों समेत परिवार समेत उन्होंने हकों की राखी वास्ते उन्होंने सारिया दिया मंगा नू सुनते हुए प्लीज कृपा करके दाते तो डरते हुए इन कानूनों वापस लो ते साड़ी दाते दे अगे हाजर नाजर जान के यही अरदास बेनती है कि ऐ मेरे पातशाह तू अपने सिंघां नू अपने किसानां नू अपने मजदूरां नू फतेह बख्शिश कर ओ कामयाबी प्राप्त कर यही साड़ी अरदास बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं मोदी सरकार नू बेनती करदे हां कि जिहड़े काले कानून इन्हां ने बनाए ने ते जे अपने किसानों नूं नहीं चंगे लगते तो ये अपने वापस लैन ते किसान अपने ठीक ठाक अपने घर नूं जाण। वाहिगुरू जी का खालसा तां कि जरूर जारी जंग रखे तुसीं जंग जरूरी रखे हो असीं तुहाडे नाल सिलवस तो इलिनोए तो सारी साध संगत तुहाडे नाल है असीं किसानां दे हक च खड़े हां किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन चेन्नई तुसी बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी के नाल। धन्यवाद।